नमस्कार, गुड मॉर्निंग विभूति जी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, विभूति नारायण राय जी, जो बहुत एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड है और हिंदी के बहुत जाने माने लेखक भी हैं। वी आर वेरी वेरी प्लीज टू हैव यू सर विद अस टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो शनिवार शाम रात को जो एक तरह की बर्बरता हमारे शांतिपूर्वक जो हमारे किसान करनाल हरियाणा बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो सर फोड़ने का जो आदेश दिया गया, उसको लेकर हम थोड़ा बहुत पुलिस का जो व्यवहार होता है नागरिकों के साथ उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हम हैं। अन्नदाता परिवार, हम सब परिवार, हरियाणा सरकार की किसानों पे अत्याचार, तो ये जो एक मानसिकता है विभूति जी, जो उस दिन हमने मतलब वीडियो भी, मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ गया कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी जो थे आयुष सिन्हा जी, उनका एक खुलेआम आदेश पुलिस को दिया जा रहा है जिससे वो कह जाते हैं कि किसान अगर यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन करते हैं या कोई भी पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो आप सर फोड़ देना, इस तरह का ऑर्डर जो अपने नागरिकों के खिलाफ देने वाली की बात है। और उस तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का बहुत बड़ा मीटिंग पंचायत इलेक्शंस को लेके होने जा रहा है और किसान उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक मानसिकता इससे सामने आती है उसके बारे में, क्योंकि आप इसके ऊपर बहुत सालों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि पुलिस में जो एक तरह की मानसिकता बनी रही है आजाद भारत में, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो हरियाणा में हुआ और जिस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ, दैट वाज वेरी डिसग्रेसफुल, बहुत ही शर्मनाक और शॉकिंग भी था। एक आईएएस अफसर के मुंह से जो अभी 3-4 साल की सर्विस जिसकी हुई है, क्योंकि ये माना जाता है कि सर्विस की शुरुआत में तो काफी कुछ आइडियलिज्म बचा रहता है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करने का मादा भी रहता है सिविल सर्वेंट में, अपने कैरियर को लेके भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो शुरुआती जो आप कैरियर में देखें आईएएस या आईपीएस अफसर्स का, तो आपको लगता है कि वो उसके एकदम ये खिलाफ है। मतलब 3-4 साल की सर्विस में ही इस तरह की बात करना है, ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक था। मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ। देखिए, ये 1860 का जो डिकेड है उसमें कुछ कानून बने जिससे पुलिस एज ए मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ये हिंदुस्तान में कायम हुई और पहली बार क्राउड के डिस्पर्सल के लिए एक लीगल प्रोविजन बनाए गए। इसके पहले तो जब राजा थे, बादशाह थे, नवाब थे, उनके सामने एक तो जनता इकट्ठी नहीं होती थी, मतलब इकट्ठी होती तो फिर उसके कोई अधिकार नहीं थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लीगल अधिकार नहीं थे, तो उसका डिस्पर्सल बहुत आसान हुआ करता था। और फौज और पुलिस में जो डिवीजन की लाइन है वो भी बहुत हल्की थी, आमतौर से वो फौजी पुलिस का भी काम करते थे, तो वो मैक्सिमम फोर्स इस्तेमाल करके। और वैसे तो कोई जवानी हिम्मत भी नहीं करता कि राजा के महल के सामने आके इकट्ठा हो जाए और प्रोटेस्ट करे, और जब अगर करेगा तो फिर उसके साथ तो नतीजे भी बुरे थे। लेकिन ये जब सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट, ये सारे कानून बने, तो उसमें प्रोविजन किया गया कि अगर कोई क्राउड अनलॉफुल हो जाए तो उसका डिस्पर्सल कैसे किया जाएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 130, 131 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुलिस एक्ट में इसके प्रोविजंस हैं। और बाद में हर स्टेट ने अपना पुलिस मैनुअल या पुलिस रेगुलेशंस बनाए जिनमें इन सारी चीज़ों का प्राविधान था। तो जैसे सेक्शन 130 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो अगर कोई अनलॉफुल असेंबली दूसरी तरह से डिस्पर्स नहीं हो रही तो वहाँ पर जो आर्म्ड फोर्स है उसके जो उसका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उसको आदेश दे सकता है कि इसको डिस्पर्स करें फोर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन इस फोर्स का इस्तेमाल कितना होगा, कैसा होगा, किस प्रपोर्शन में होगा, ये उसके विवेक पर नहीं है। जैसे ये मजिस्ट्रेट साहब आयुष सिन्हा ये आदेश कर रहे हैं कि ऐसी लाठी चलाओ कि सर फूट जाए, ये वो अपना ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, जो उनके पावर्स हैं उसको ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। ये बहुत सारे कोर्ट केस लॉज हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में फैसले दिए हैं कि ये जो फोर्स का इस्तेमाल है डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता। सपोज आप लाठी लेके मेरी तरफ दौड़े और मैं बंदूक से आपको गोली मार दूं तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। और फिर जो पुलिस की सिखलाई है, जो पुलिस मैनुअल्स में जिस तरह के प्रोविजंस हैं, तो उसमें लगातार इस बात का पर जोर दिया गया है कि भाई कमर के नीचे मारा जाए, लाठी इस तरह चलाई, बल्कि ये लाठी जो सर फोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो मिसेस गांधी के जमाने में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का की स्ट्राइक हुई थी,
उसमें सेक्रेटेरिएट के कुछ कर्मचारियों का सर फट गया था। उसके बाद से सरकार ने पहले पुराने 60s 70s तक या 80s तक भी मैंने देखा है लंबी लंबी लाठियां होती थी, जो आप जैसे गांवों में आप देखते हैं हम तो बड़ी है। ये जो हमारे सिपाही भी थे ये ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते थे, दे वेर द सन्स ऑफ द फार्मर, तो हाँ तो उस तरह की लाठी चलाने की उनकी आदत भी थी। लेकिन उस सेंट्रल एम्प्लॉइज के स्ट्राइक के बाद ये लाठी आधी की गई और अब तो इसमें वो वुडन पार्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है और दूसरे जो फाइबर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये शोर ज्यादा करे, आवाज करे, लेकिन चोट कम पहुंचाए। तो इस मजिस्ट्रेट का ये आदेश देना कि उनके सर पे मारो और उसका सर फट जाए, ये एक तो वो अपने पावर को ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, इसका उनको अधिकार नहीं है, ये तो वहां जो पुलिस ऑफिसर सीनियर मोस्ट है वो डिसाइड करेगा कितना फोर्स इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले पुराने निकाल के उस लाइट में देखें तो ये प्रोपोर्शन तय किया जा चुका है। वहां मैंने जो सीडी देखी और जो अखबारों में रिपोर्टिंग देखी और जो विजुअल्स दिखाई दिए, मेरे समझ में आ रहा था कि वह बहुत ज्यादा फोर्स थी। और जो किसान आ रहे थे, किसान जाहिर एजिटेटेड हैं, 7-8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, उनसे बात नहीं की जा रही, तो एक गुस्सा स्वाभाविक था और वो आगे आते और वो डिसरप्ट करने की कोशिश करते, बीजेपी की जो सभा थी या जो कार्यक्रम था डिसरप्ट करने की कोशिश किया करते। लेकिन उसे रोकने के लिए बिना किसी कोर्सिव एक्शन के, सिर्फ अपने हाथ से और थोड़ा बहुत डंडे को जमीन पे पटक के, किसी के पैर पे मार के, किसी के हाथ पर मार के, आप उनको डिटर कर सकते, रोक सकते से आगे बढ़ने से। लेकिन वो ना करके पहले ही कहा गया कि नहीं नहीं जब अगर एक सीनियर अफसर ने कह दिया तो जो वहां पर जवान खड़े हैं, आप उनकी जिस तरह की सिखलाई है, उनके जिस तरह की एजुकेशनल और कल्चरल जो उनका लेवल है, वो तो उसको एक पत्थर की लकीर मानेंगे। क्या उन्होंने सचमुच यही कि आप देखे कई किसानों के सर फटे, बाद में मैंने कई खबर पढ़ी है कि हालांकि वो वेरीफाई होना, मतलब मैं नहीं उसे वेरीफाई कर पाया हूँ, कि एक किसान की मृत्यु भी हो गई, मतलब हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वो शायद जो चोट लगी है उसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें बहरहाल ये कुल मिला के इट वॉज वेरी रिग्रेसिव, वेरी रिपल्सिव, इस तरह का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे दर्शकों को हम कहते हैं सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस पे हमारा जो वेबसाइट है उसमें हम हर तरह के लीगल रिसोर्सेज भी डालते हैं इस तरह की चीजों के बारे में, पुलिस का जो कर्तव्य है, पुलिस का जो मानव नागरिकों का जो अधिकार है। आप जरूर हमारे वेबसाइट cjp.org.in पे जाके हमारे लीगल रिसोर्सेज पढ़िए। जो जजमेंट्स के बारे में विभूति जी ने अभी जिक्र किया उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ऐसे तीन खास जजमेंट है। एक तो बहुत अहम है, अनीता ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2016 का जजमेंट है। फिर रामलीला मैदान इंसिडेंट का जो 2012 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और फिर हमारा केरला हाई कोर्ट का पीपल्स काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का जजमेंट है। ये तीनों जजमेंट अगर हम देखें तो बिल्कुल सही जो विभूति जी ने अभी पूरा उसका विश्लेषण किया कि इवन इफ द क्राउड इज लुकिंग एज इफ इट्स टर्निंग वायलेंट, देयर शुड बी वेरी प्रोपोर्शनेट एंड डिस्क्रीट यूज ऑफ फोर्स। मतलब स्टेट है, राज्य है, पुलिस है, वो अपने नागरिकों के साथ किस तरह व्यवहार करती है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये ना भूले कि आर्टिकल 19(1) ने अधिकार दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट का, आर्टिकल 19(1)(2) ने कुछ पाबंदियां भी रखी है कि किस तरह आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। मगर जैसे अगर बम्बई के टेक्सटाइल वर्कर्स का जमाना हमने देखा है 1980s में, या अभी फिर रेलवे स्ट्राइक हुई, फिर आपने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जिक्र किया, अभी हमने एक ऐतिहासिक आंदोलन देख रहे हैं किसानों का 9 महीने का। तो अगर सरकार के साथ बातचीत एक स्टेलमेट पे है, जनवरी 2021 के बाद कुछ बातचीत नहीं हो रही है, सरकार उस बात को बढ़ा नहीं देगी। सरकार ने जिस तरह ये कानून लाए बिना कोई बहस, एक ऑर्डिनेंस लाए उसके बाद आपने बिना बहस, बिना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को आपने पारित कर दिए, तो एक फ्रस्ट्रेशन जरूर है किसानों के बीच। और इस बीच में आप इस तरफ फोर्स का इस्तेमाल करते हैं जब आपको एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली शॉकिंग। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे एक किसान साथी सुनील काजल गरोटा, जो गांव गरोटा गांव के हैं सुनील काजल, उनका देहांत हुआ ये पूरा हमले के बाद। ये हमने जो किसान के लॉयर्स फोरम ने मानव अधिकार आयोग को एक 12-13 पन्ने का एक मेमोरेंडम दिया है, उसी में इसका जिक्र है
कि इनका इनकी मौत हुई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज कंफर्म, क्योंकि उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से मानवाधिकार आयोग को लिखा है कि ये बर्बरता की वजह से एक किसान की जान भी गई है। और जिस तरह वो छबियां आई है हमारे सामने, लहू भरी छबियां, सर फटे हुए, आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीट शेम। और मुझे तो कभी कभी हम पत्रकार भी हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी है, मुझे लगता है पत्रकारिता के ऊपर भी मुझे काफी शर्म आती है कि जब आपके एंटी करप्शन आंदोलन का जमाना था और आपने महीनों के लिए वो प्रदर्शन दिखाते आप गए टीवी पे, रामदेव के ऊपर जब वो डिस्पर्सल का जो पुलिस ने डिस्पर्स करने की कोशिश की तो बार बार वो छवि हमारे दिमाग में आती गई कि रामदेव जी को किस तरह वो वहां से उठाने की कोशिश की वगैरह वगैरह। मगर जब किसानों के साथ होता है तो आप मीडिया पे ये चीज नहीं देख रहे हैं। तीन चार दिन से अखबार में आज बहुत अच्छे एडिटोरियल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस में है, हिंदू में है, हिंदी अखबारों में है, जो कंडेम कर रहे हैं ये बातों को। मगर टीवी पे जिस तरह इसको मतलब ये मामले को दिखाना चाहिए, एकाध चैनल को छोड़ के हमने तो नहीं देखा। और मुझे लगता है ये दौर ही ऐसा है कि मीडिया भी अपना फर्ज को भूल चुकी है कि लोकशाही में और जमहूरियत में उनका क्या एक रोल होता है मीडिया का, बिल्कुल कमर्शियल मीडिया हो गई। विभूति जी, मई 2018 में वो फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा, एंटी स्टेरिलाइट प्रोटेस्टर्स की तुतुकुड़ी में, वहां पे 13 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में जून 2017 में मंदसौर में किसानों के ऊपर हुआ था, वहां 6 लोगों की जान गई। और जामिया में, दिल्ली में जामिया में प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, जो एंटी सी एंटी एनआरसी के स्टूडेंट्स पे पुलिस की बहुत बर्बरता हुई दिसंबर 15, 2019 को। तो ये हम बार बार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अलग हो, सोच अलग हो, मगर एक पुलिस को एक पूरी छूट दी गई है कि आप किस प्रदर्शन को आप प्रिविलेज करके होने देंगे, किस पॉलिटिकल रैलीज को होने देंगे और किसको नहीं। तो एक मानसिकता और ट्रेनिंग का तो मामला है ही, मगर पॉलिटिकल क्लास भी जो आज डोमिनेंट है वो एक मैसेज बार बार दे रही है कि ये तबके को आप अलाउ कीजिए, ये तबके को नहीं। और हमारे खुद के नागरिकों को एक तरह से दुश्मन की नजर से सरकार देख रही है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो पुलिस ट्रेनिंग में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए। हमारा शायद जो सोशल एथॉस है वो भी ह्यूमन लाइफ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता जिस तरह वेस्ट में दिया जाता है। मसलन छोटी सी चीज मैं आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए, फायरिंग तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, जबकि सचमुच आपकी लाइफ प्रॉपर्टी और बहुत इमिनेंट किस्म का डेंजर हो तभी करना चाहिए, क्योंकि आप जब फायर करते हैं, ये बाहर एक गलत धारणा है कि फायरिंग का जो ड्रिल है उसमें सिखाया जाता है कि कमर के नीचे मारो, पैर के नीचे मारो। देखिए, फायरिंग का तो जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जो अर्थ है वो यही है, वन बुलेट वन लाइफ। और उसके लिए उसके पीछे तर्क ये है कि अगर एक बार भीड़ को ये एहसास हो जाए कि आप तो वैसे ही हवा में फायर कर रहे हैं और फायरिंग के लिए कोई बहुत इफेक्टिव आप फायरिंग नहीं कर रहे हैं, तो भीड़ और ज्यादा नुकसान कर सकती है। उसे एक बार एहसास हो जाए, मतलब वो जैसे ब्लड उसे स्मेल कर ले, तो फिर वो और ज्यादा वो करती है। तो फायरिंग तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में होनी चाहिए और बहुत रेगुलेटेड, रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड फायरिंग होनी चाहिए जिसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है। लेकिन हमारे पास नॉन लेथल ऑप्शंस भी होने चाहिए, जैसे लाठी तो एक ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले भी पत्थर फेंकते हुए दिखाई देते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट रायट्स में मैं गया था एक ग्रुप के साथ, तो वहां फिर लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि पुलिस वाले क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। मैंने कहा उसकी वजह यही कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। भीड़ आपसे 100, 200 या 300 गज दूर खड़ी है, आपके पास एक लाठी है, वहां तो पत्थर फेंक रहे हैं, तो आपको उन्हें डिस्पर्स करने के लिए, अपने बचाव के लिए लाठी तो इनइफेक्टिव हो गई। अब गन जो आपके हाथ में वो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, फायरिंग आप कर नहीं सकते। तो क्या तो चीज होनी चाहिए? हाँ, तो वही वो जैसे टीयर के शेल्स है, बड़े पुराने, मतलब ये कोई अभी आज की नया वो इंटरवेंशन नहीं, पुराना वो है। टीयर गैस शेल्स होंगे ही नहीं, आप ज्यादातर जगहों पे पाएंगे कि टीयर गैस शेल है ही नहीं। अगर हैं तो फायर नहीं हो रहे, शेल फूट नहीं रहे। फिर रबर बुलेट्स पिछले 15-20 साल से इस्तेमाल हो रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि रबर बुलेट क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। हम उसको और ज्यादा लेथल बनाने के चक्कर में पैलेट बुलेट हमने कश्मीर में शुरू कर दिया, कश्मीर में उसी के बाद, हाँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर इफेक्टिव रबर बुलेट है, मैंने एक दो सिचुएशन पे देखी है,
तो एक तो वो चोट पहुंचाती है, मतलब आपका कोई वैसा डैमेज नहीं होता कि जान चली जाए, और वो आवाज बहुत करती है, तो उस आवाज से डर पैदा होता है। स्टन ग्रेनेड्स होते हैं जो बहुत आवाज पैदा करते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको स्टन कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस नॉर्मली आपको जो वहां पर जो ग्राउंड पर पुलिस टुकड़ी है उसके पास नहीं होते, ये बड़ी दिक्कत है। ये कोई बहुत महंगे ऑप्शंस नहीं, ये केवल प्रायोरिटी की बात है, सरकार इसे अगर प्रायोरिटी पर ले तो ये पूरे देश में 100-200 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है, हम उसका महत्व नहीं समझ रहे कि हम एक इंसानी जिंदगी ले ले रहे हैं, तो उसकी जगह हम ये सारे ऑप्शंस अपनाएं। दूसरी चीज ये है कि हमारी ये सिखलाई भी कि ये जो लोग जिनके खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे अपने भाई हैं। आप ये इसी में देखिए, जिन पुलिस वालों ने लाठी चलाई होगी वो भी किसानों के बेटे होंगे और लोकल ही होंगे, हरियाणा के ही गाँव के होंगे, वो लड़के कोई बाहर से तो आए नहीं, और जो जिनको पीट रहे थे वो भी उन्हीं के गांव के चाचा ताऊ बड़े भाई जैसे रिश्ते वाले थे। तो ये भी हमें कंपैशन भी भरना पड़ेगा ट्रेनिंग में कि हमें, आप फिर इस मजिस्ट्रेट को आप क्या कहें, मुझे तो लगता है कि इसके लिए कोई साइकियाट्रिक वो होना चाहिए, इसका इंटरवेंशन, इसे वापस ट्रेनिंग में भेजा जाना चाहिए। अगर ये शुरुआती 3-4 साल में ही इस तरह की बातें कर रहा है तो आगे जब ये कलेक्टर होगा, कमिश्नर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा तो ये किस तरह का बिहेवियर करेगा। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जिसे आपने एकाध घटनाओं का बताया जहां पर कि फैक्ट्री ओनर्स के लिए या बड़े लैंडलॉर्ड्स के लिए फायरिंग हुई, तो वहां तो समझ में आता है कि वहां करप्शन भी इन्वॉल्व रहा होगा, वहां सिर्फ जो इमीडिएट लैंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रही होगी, वहां करप्शन भी इन्वॉल्व रहा होगा। हमने कलिंगानगर में देखा है, उड़ीसा में, आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर में तो वो इतनी खतरनाक बुलेट्स इस्तेमाल करके बच्चों को आपने अंधा कर दिया है, मतलब, और वही देश को आप जीतना चाह रहे हो, वही लोगों को आप जीतना चाह रहे हो पॉलिटिकली, तो इस तरह का जो एक व्यवहार है। आपने जो बात रखी कि अपने लोगों को मतलब इस तरह का पुलिस, तो इसमें तो एक बहुत लंबी कहानी है। आप तो, मैं तो दर्शकों को बता दूं कि विभूति नारायण जी ने कई साल पहले शहर में कर्फ्यू किताब ऑथर की थी, उसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन था हाशिमपुरा मलियाना के पूरे मैसेकर को लेकर FIR दर्ज करना, वो तो भी जाने माना, बहुत जाने माने, देनी रिटायर्स है। कश्मीर में भी उन्होंने इंसर्जेंसी के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस किए हैं, उसके बाद ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश, एंड देन ही इज ऑल्सो बीन दी वाइस चांसलर ऑफ दी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी एट वर्धा। तो हम ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हैं आज जो अपने पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ अपने सामाजिक भी एक तरह का कर्तव्य शुरुआत से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये बात शुरू की है। तो 1979 में हमारा नेशनल पुलिस कमीशन आता है रिकमेंडेशन पहली बार यूज ऑफ फोर्स के बारे में कि आप इसको सीमित तरह से या इसको आप कोडिफाई कीजिए वगैरह वगैरह। उसके बाद 1998 में रिबेरो कमेटी बैठती है, उसके बाद में 2000 में पद्मनाभाया कमेटी बैठती है, उसके बाद वो पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी सोली सोराब जी के नेतृत्व में बैठती है, और फिर आपका प्रकाश सिंह का जजमेंट आ जाता है 2006 में, मतलब वो तो अभी बहुत जाना माना है, जहाँ पे एकदम मतलब पुलिस स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, कंप्लेन स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पुलिस शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्लास बट इट शुड रिपोर्ट टू द असेंबली नॉट टू द पार्टी इन पावर। किस तरह की अथॉरिटी आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें इंडिपेंडेंट लोग हो ताकि लोगों की हिम्मत बने कि आप पुलिस की शिकायत लेके आप जा सकते हैं ताकि आप कुछ अकाउंटेबिलिटी पा सकते हैं। मगर मुझे लगता है बहुत कम ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड मे बी केरला पुलिस एक्ट इज द ओनली एक्ट 1970 वाला जिसने बहुत ही डिटेल में यूज ऑफ फोर्स के ऊपर एक कम से कम एक लिखित स्तर पे उनका एक गाइडलाइंस है। हालांकि केरला में भी पुलिस टॉर्चर और कस्टोडियल टॉर्चर खत्म हुआ ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, बट बिकॉज ऑफ अ सर्टन ट्रेडिशन वहां पे कम से कम कोडिफाई हुआ है कि आप 1970 के एक्ट में। तो ऑल दिस हैज हैपेंड, मतलब पुलिस के अंदर के एक मूवमेंट की वजह से, वरिष्ठ ऑफिसर की वजह से, पुलिस कमीशन, ये सब कमिटियां बनी है, सुधार की बात होती रहती है, मगर ये कभी एक पीपल्स इश्यू नहीं बनता और पॉलिटिकल इश्यू तो नहीं बनता इलेक्शन के समय, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, मतलब इसके इसको लेकर किस तरह इसको एक आंदोलन का एक रूप दिया जाए ये मांग को? देखिए, आपने बहुत अच्छा समझ किया जो लास्ट सेंटेंस है ना कि ये कभी भी किसी इलेक्शन में कभी इशू नहीं बना, यानी हमारी जनता खुद कभी खड़े होकर के
ये डिमांड नहीं करती कि हमको एक सभ्य पुलिस चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हमें एक असभ्य पुलिस इसलिए मिली है क्योंकि हम उसी को डिजर्व करते थे। मतलब अंग्रेजी की एक कहावत है ना कि आपको राजा वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, तो आपको पुलिस भी वही मिलती है जो आप डिजर्व करते हैं। हमारे जो रूलिंग क्लासेस है, और खास तौर से रूलिंग क्लासेस का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल अर्थों में नहीं, सोसाइटी में भी, फैमिली में भी, और अपने अड़ोस पड़ोस में भी जो डोमिनेंट लोग हैं वो पुलिस के हिंसा को सपोर्ट करते हैं। मजेदार बात यह है कि जैसे पुलिस के इनकाउंटर्स हैं, आप देखें हैदराबाद में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और वो मार दी गई, उसके हत्यारों को जेल से निकाल के पुलिस ने मार दिया, और जिन लोगों ने मारा उनको माला पहनाया गया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। हत्यारे थे कि नहीं भी हमें नहीं पता क्योंकि उसकी कोई जांच नहीं, मतलब जांच मतलब अभी अदालत पे नहीं हुआ था, एविडेंस जो था वो सिर्फ पुलिस के पास था। दूसरी तरह कानपुर में तो बहुत ही शेमफुल हुआ, और उत्तर प्रदेश में रोज शेमफुल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से ये सरकार आई है, आप मेरे ख्याल से 200-300 लोग होंगे, ये आंकड़े इकट्ठे किए जाए, जो पकड़े जाते हैं और उनके पैर में गोली मारी जाती, एक ही जगह गोली लगती। अब आसाम की सरकार ने यूपी मॉडल, वो कहते हैं कि हम तो यूपी मॉडल अपना रहे हैं, जिसमें आसाम में आप हर महीने में 2 घटनाएं कम से कम औसत पड़ रहे हैं। बिल्कुल, 33 लोगों की तो जान गई है, 33 लोगों की, जिसमें वो पुलिस की कस्टडी से भागते हैं। एक ही जैसी कहानी है, वो पुलिस को ले जाते हैं कोई हथियार बरामद कराने के लिए या किसी को गिरफ्तार कराने के लिए, रास्ते में वो उनके हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों के भागने की कोशिश करते हैं, उसमें मारे जाते हैं। तो ये क्या मतलब हम किस तरह के असभ्य सोसाइटी बना रहे हैं? हम क्यों नहीं ये कहते कि नहीं, हम अपने लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून को लागू करने वाली संस्थाएं हैं उनको मजबूत करेंगे, इस तरह की अदालतें बनाएंगे जो अदालत में सजा दे सके, इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बनाएंगे जो प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर सकें, एविडेंस कलेक्ट कर सकें, अदालत में पेश कर सकें, 6 महीने के अंदर सजा हो जाए। बजाय इसके ये ज्यादा आसान है कि आप एक हत्यारे को पकड़ करके और मार दीजिए, और जब आप मारते हैं तो उसको एक सोशल सपोर्ट मिल जाता है, जनता बड़ी खुश होती है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का मैं कह सकता हूँ, जहाँ जिसका मेरा फर्स्ट एंड वो है, कि ये जो 100-200 लोगों को जिनको पैर में गोली लगी है, इसमें टेस्ट के तौर पर सिर्फ 5 केसेस का या 10 केसेस का, जो सरकार खुद अपने आप कहे, उनको आप एग्जामिन करा लीजिए, और मेरा पूरा मानना है कि फर्जी निकलेंगे। और आप किसी भी थाने में चले जाइए, FIR दर्ज करा दीजिए, तब भी मैं अपनी बात वापस ले, कहीं FIR दर्ज नहीं होती और कहा जाता है साहब वो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव कर रहा है, अपराध कम हो रहे। ये जो उत्तर प्रदेश का हाल है लगभग ज्यादातर राज्यों में है, तो हमें एक जनता की तरफ से मूवमेंट होना चाहिए जो ये मांग करे कि हमको एक सभ्य पुलिस चाहिए, हमको एक ऐसी पुलिस चाहिए जिसके लिए संविधान का मतलब हो, जो कानून कायदे को ठेंगे पर ना रखती हो, जनता की मित्र पुलिस हो। लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे यहाँ कभी ऐसा, आज तक एक भी चुनाव मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें ये भी डिमांड हो, और कम से कम पॉलिटिकल पार्टियां अपने जो मैनिफेस्टो हैं उसमें एक लाइन लिखते हैं कि साहब हम आएंगे तो पुलिस में इस तरह के सुधार करेंगे। अभी जब आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस या पुलिस सुधारों की बात सुनते या पढ़ते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि पुलिस को ज्यादा लेथल वेपन्स दे देंगे, पुलिस को ज्यादा तेज भागने वाली गाड़ियां दे देंगे, पुलिस के लिए कुछ मकान बना देंगे। लेकिन जो पुलिस की बेसिक चीज है कि उसकी मेंटेलिटी चेंज होगी, उसके ट्रेनिंग का स्तर सुधरेगा, हम ज्यादा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ उसे ले जाएंगे, इस पर शायद, या सबसे बड़ी चीज है उसका व्यवहार बदले। आज आप क्या सोचती हैं कि आप जैसे लंदन के बॉबी की कल्पना करिए, जो वहां का कांस्टेबल है लंदन पुलिस का, ये मैंने पढ़ा कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी साइकिल खराब हो जाए तो वो बॉबी को थमा के चला जाता है, और जब वो लौटता है तो पंचर उंचर ठीक करा करके उसका रखता है, इंतजार करता है, बच्चा आता है वो साइकिल देता है। हमारे यहाँ क्या इस तरह कल्पना कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो माएं रात में बच्चों को डरवाती हैं कि सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी। हम आखिर क्यों नहीं हम इसको बदलने की कोशिश करते? इतने कमीशन बैठे, आपने बहुत महत्वपूर्ण कमेटियों का जिक्र किया, एक और महत्वपूर्ण कमीशन था धर्मवीरा कमीशन, जनता पार्टी जब नई नई सरकार में आई थी। आप सोचिए जनता पार्टी में वो लोग सरकार में आए थे जो पुलिस के हाथ दिन को जिन्होंने सफर किया था, वो उन्होंने धर्मवीर कमीशन की रिपोर्टें क्यों नहीं लागू की? वो फूल खाती रही, उसके बाद तो पता नहीं अब कितनी दसियों सरकारें बदल गई, जो की तो पड़ी है। प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उनमें से हाफ हार्टेडली कुछ को इम्प्लीमेंट किया गया, बाकी वो जो के तो पड़े, कोई मुख्यमंत्री उसे लागू करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाता।
तो मतलब कहीं ना कहीं से अंदर से एक मांग उठनी चाहिए, जनता के बीच से एक मांग उठनी चाहिए कि भाई हमें बेहतर पुलिस हम डिजर्व करते हैं, हम ये पुलिस डिजर्व नहीं करते हैं जो ब्रिटिश काल की जो परंपराएं उन्हीं को ढो रही है, जो जनता को अपना शत्रु समझती है। जैसे यही आप देखिए कितना रिपल्सिव लगता है कि आप पुलिस वालों से कहें कि भाई लाठी मार के इनके सर फोड़ दो, ये आप लंदन में जाके अमेरिका में जाके कह के देखिए, आप जेल चले जाएंगे अगर कोई अफसर इस तरह का आदेश दे रहा हो। तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं खड़े होकर कहते कि नहीं हम वी डिजर्व अ बेटर पुलिस। एक बहुत ही अहम सवाल है, अभी जलियांवाला बाग के कांड को 1919 में हुआ था, मतलब 100 साल से ऊपर हो गए, 102 साल हो गए आप समझ लीजिए, और वो जो कांड हुआ था जनरल डायर के वजह से, उसको उनको मतलब पूरा कमीशन बैठाया गया था और फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने खुद अपनी गिल्ट को मान लिया था, उन्होंने फायरिंग की सर ऑर्डर की थी, लोग जिस तरह मरे थे वो मैदान में। तो अभी बार बार हेडलाइंस जो आ रही है कई अखबारों में, टेलीग्राफ की मैंने पढ़ी कि जलियांवाला बाग की तरह जनरल डायर की तरह ये आयुष सिन्हा ने बिहेव किया, ये जामिया के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर जब हमला हुआ, तो मगर राजनीतिक स्तर पे ये मांग हमें उठानी पड़ेगी कि हमें ह्यूमेन पुलिसिंग, नागरिक और पुलिस के बीच में एक रिश्ता ऐसा चाहिए जो एक विश्वासजनक हो, जिसमें महिला, बहन, बेटियां, नौजवान पुलिस स्टेशन में जाते कतराते कतराते ना जाए। और इसी को लेकर एक और जिक्र मैं करना चाहती हूँ, हालांकि थोड़ा सा हटके है, मगर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि December 3, 2020 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया था, और जब आपने आसाम की जिक्र की तो वहां पे हमने हमारे साथियों को कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV होना चाहिए, और CCTV फुटेज इस तरह होना चाहिए कि व्यवहार जो पुलिस स्टेशन में हो वो रिकॉर्ड हो, और हर 10 दिन में वो रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट के पास चला जाए, सील कवर में रखा जाए, अगर कुछ जरूरत पड़े तो उसको देखा जा सकता एज प्रूफ। तो ये मामला जब उठा, क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में बहुत सारी घटनाएं हुई, घटना होती रहती है, आंकड़े आते रहते हैं, और इसमें जब केसेस चले तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश है कि हर सरकार को हर पुलिस स्टेशन में चाहे कितना भी खर्चा हो ये CCTV न सिर्फ लगवाने चाहिए, मगर बाहर एक नोटिस भी होनी चाहिए कि ये पुलिस स्टेशन में लगे हुए हैं CCTV, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे लिए कुछ एक सिक्योरिटी बनी रही है। तो इसके लिए भी पैसे नहीं होंगे सरकार के पास, ये CCTV लगेगी भी नहीं, अगर लगेगी तो चलेगी नहीं, जैसे हमने अक्सर देखा है कि जब क्राइम होता है तो वो हाईवे का CCTV हमें दुरुस्त नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत अहम चीज है कि ट्रांसपेरेंसी इन पुलिसिंग, कि थोड़ा सा पुलिस को भी लगे कि हमारे ऊपर निगरानी हो रही है, और वो निगरानी को लेकर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि कोई और देश में तो जेल चला जाए इंसान इस तरह की बातें पर या सस्पेंड, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं आयुष सिन्हा के साथ न बाकी लोगों के साथ। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मामला है वो हाँ जरूर जनता के बीच में एक बात उठनी चाहिए, मगर कैसे उठे ये बात। कब देखिए इसमें मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं एक हो जाती है। आप आजादी के फौरन बाद देखिए कांग्रेस की सरकारें बनी थी, और वो हाँ आजादी की लड़ाई से निकला था, पुलिस की जातियों का शिकार था, उसे पीटा भी गया था। उत्तर प्रदेश में तो गोविंद वल्लभ पंत को कहते हैं कि उनके गर्दन में लाठियां पड़ी थी जिससे उनका सर हिलता रहता था। लेकिन इन्होंने ये ऐसे लोग जब आए थे, इन्होंने भी क्यों नहीं पुलिस का चरित्र बदलने की कोशिश की। मेरा जो अपना 35-37 साल का जो IPS का अनुभव है, मैंने देखा है कि एक मुख्यमंत्री को किस तरह का दरोगा पसंद आता है, आप जरा इसकी कल्पना करिए। उसे वही दरोगा पसंद आता है जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर दे, उसके अपने समर्थक कुछ भी करते रहे उनके खिलाफ कुछ ना करे, वो कब रूलिंग क्लास के कहने से कुछ भी गलत सलत करने के लिए तैयार हो, सबसे लोकप्रिय दरोगा वो होता है। आज से कुछ साल पहले तक जब बूथ लूट होती थी, बूथ कैप्चरिंग उस तरह की होती थी जिसमें कि लोग जाते थे और बूथ पे हमला करते थे और पूरा पूरा बूथ लूट लेते थे, उस समय मुख्यमंत्रियों की चिंता ये होती थी कि ऐसे अधिकारी पोस्ट होने चाहिए जो उनके विरोधियों को बूथ ना लूटने दें, लेकिन उनको उनको जब उनके समर्थक बूथ लूटने जाएं तो उनके खिलाफ कुछ ना करें। उत्तर प्रदेश में कई कॉन्स्टिट्यूंसीज बदनाम थी जो VVIP कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ ये सब धंधे होते थे,
तो ये दुर्भाग्य है कि हर तरह की सरकारें आई, किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। ये हो सकता है हमारे लिए कल्चरल प्रॉब्लम हो, हमें वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ बड़ी डोमिनेंट संस्था रही है, तो उसमें हमने हमेशा जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन किया। हम अपने आधे से ज्यादा आबादी को जानवर समझते रहे, उसमें औरतों को भी जोड़ दीजिए तो 3/4 आबादी हमारी जानवर थी। तो शायद ये भी एक कारण हो जिससे हमने इस पुलिस को स्वीकार कर लिया। इसमें देखिए एक दिलचस्प सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, आज जो पुलिस भारत में है इसको अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेजों ने करीब 50-60 मुल्कों की पुलिस बनाई। मतलब पुरानी कहावत थी ना कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज नहीं डूबता, वो दुनिया के तमाम इलाकों में उनका शासन था, हर जगह उन्होंने पुलिस बनाई। लेकिन हर जगह अलग अलग पुलिस क्यों बनाई, ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि जो पुलिस ऑस्ट्रेलिया को दी वो पुलिस श्रीलंका को नहीं दी, जो श्रीलंका को दी वो हमको नहीं दी, जो हमको दी वो बर्मा को नहीं दी। हर जगह की सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुलिस बनाई। और शायद हमारे यहाँ, मैंने अभी वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया आपको, वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारे यहाँ ये एक सामाजिक स्वीकृति थी हिंसा को लेकर के, अपने से कमजोर के खिलाफ हिंसा को, आप चाहे वो जाति के मामले में कमजोर हो या जेंडर के मामले में कमजोर हो, उस हिंसा को एक सोशल एक्सेप्टेंस हासिल थी। इसीलिए अंग्रेजों ने ये पुलिस बनाई, इसने बढ़िया काम किया 90 साल तक, आप देखिए कि उनकी सरकार बखूबी चली। तो अब क्या उसके बाद ये जरूरी नहीं था कि जो हमारे नए शासक आए थे, जो उनके खिलाफ लड़ करके आए थे, हालांकि शांतिपूर्ण आंदोलन ज्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन जगह कई बार ये शांति भंग भी होती थी, और वो जो नेतृत्व था पिटता भी था, जेल भी जाता था, उसके साथ ज्यादतियां भी होती थी। तो उसके बाद भी क्यों नहीं इसने, मतलब बड़ा इंट्रीगिंग लगता है कि इसने क्यों नहीं उसका जो बेसिक चरित्र था पुलिस का सुधारने की कोशिश की। कई बार मुझे लगता है कि शायद हमको यही पसंद आता था, यही हम डिजर्व करते थे, इसलिए हम उसे चलने दे रहे हैं। आप बताइए ना क्या कारण हो सकता है कि कानपुर में इतना जघन्य घटना हुई, एक जीप उलट गई और एक आदमी मर गया, और उसमें बैठे हुए कोई पुलिस वाले को किसी खरोंच तक नहीं लगी। वो बड़ा अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस बड़े अपराधी को मारने का ये इतना पोर तरीका, और उसको एक कमीशन बैठा है जिस कमीशन ने उसे जस्टिफाई कर दिया। अब इसके बाद क्या कहूँ बताइए। साथ साथ वो जो सुबोध सिंह जी के साथ हुआ, जो बेचारा एसपी को मारा गया बुलंदशहर में, जो मतलब क्योंकि मतलब जो बजरंग दल के लोगों ने उनको जो मारा है, मारने के बाद जो हत्यारे थे उनका सम्मान किया गया, वो छूट के आए, माला पहनाई गई, तो हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं इसको स्वीकृत कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस बना रहेगा, मतलब इट इज अ बिग कल्चरल इशू, हमें एक कल्चरल शॉक की जरूरत है, जैसे भक्ति आंदोलन मध्य युग में हुआ था, उस तरह के बड़े आंदोलन की जरूरत है जो इसको झकझोर दे, तब शायद हमारी जनता खड़ी हो और ये मांग करे कि नहीं हमें बेहतर पुलिस चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना था जब उन्होंने संविधान की कॉपी पेश की संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, तो उनके वो शब्द ऐतिहासिक रहे हैं कि हम अपने आप को एक राजनीतिक आजादी तो जरूर दे रहे हैं, मगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी पे ये समाज टिका हुआ है, और जान वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था को कितनी भी आप टिप्पणी हम करें वो कम होगी, क्योंकि हमने वो जो एक हायरार्किकल बहुत क्रूर एक स्ट्रक्चर हमने एक इंटरनलाइज कर लिया है, और उसका निषेध भी नहीं हम कर पाते। विभूति जी, ये सही है कि हर पार्टी इसको इस्तेमाल करती है, मगर आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद जो सरकार आई है, जो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो मानती हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, बीजेपी तो सिर्फ उसका एक पार्लियामेंट्री विंग है, ये जो सरकार बैठी है दिल्ली में और कई राज्यों में, ये सरकार और इस राजनीतिक सोच और बाकी में पुलिस को लेकर भी फर्क है, क्योंकि इस तरह का इस्तेमाल क्रूरता और बर्बरता से ये सरकार कर रही है, शायद उन्होंने कुछ हद पार कर दी है। नहीं, सही कह रहा है सर, देखिए ये आपने सही कहा कि ये तो आरएसएस का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा, और आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग ही मिलिटरिस्टिक होती है, एक सैन्य संचालन जो है उनकी ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ओटीएस उनका एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है, जो अपने जो सीनियर फंक्शनरीज हैं, मिडिल लेवल के फंक्शनरीज उनके करते हैं, तो वहाँ पर काफी समय फौजी ट्रेनिंग में दिया जाता है। तो फौजी ट्रेनिंग एक खास तरह का माइंडसेट बनाता है, इस माइंडसेट में आपको विकास से ज्यादा पुलिस के का महत्व आपके दिमाग में आता है,
और पुलिस में भी ऐसा ही पैसा है, पुलिस जो बहुत ही अनुशासन और बहुत ही कार्रवाई करने में सक्षम हो, इस तरह की पुलिस आपको पसंद आती है। और फिर आप जब आप पुलिस देखे, पुलिस एक खास तरह की संस्कृति होती है, मैं खुद उसमें रहा हूं, मैं जानता हूँ, उसमें किसी तरह के डिसेंट या प्रोटेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाता। मैं जब अफसर हूँ और मैं हुक्म देता हूँ तो मानता हूँ कि भाई जो 500 लड़के मेरे नीचे खड़े हैं वो 500 उस हुक्म को मानेंगे, उसमें कोई डिसेंट की गुंजाइश नहीं होती। या प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ी चीज है, प्रोटेस्ट तो करते हैं तो फिर आप मतलब बगावत हो गई है तो म्यूटनी हो गई। तो इसी तरह ये बाकी अपने जो सोशल स्फीयर है, जो नॉन पुलिस स्पेस है, उसमें भी ये सरकार प्रोटेस्ट को स्वीकार नहीं कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बड़ी मुश्किल से हमने जवाहरलाल नेहरू के जो 17 साल शुरू के प्रधानमंत्रित्व काल के हैं, उनमें बड़ी मुश्किल से हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, और वो उन इंस्टीट्यूशंस का जो बेस है वो प्रोटेस्ट है, वो डिसेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। उनमें न्यायपालिका थी, उसमें प्रेस था, उसमें लिबरल यूनिवर्सिटीज। मैं तो अब जैसे खून के आंसू रोने वाली स्थिति है, मैं खुद जब वाइस चांसलर रहा तो मेरी थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। अब जो नए वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं या यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट या यूनिवर्सिटियों के करिकुलम में जो चेंजेस छेड़छाड़ हो रही है, आप समझिए इनका सारा लिबरल चरित्र नष्ट हो रहा है। ये सब के सब एक खास तरह की मतलब एक पिछड़ी मानसिकता, एक अंधविश्वास, और जैसे आप सिक्योरिटिस्ट जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह क्या की विचारधारा, उसी तरह के लोग पैदा करने की फैक्ट्रियां बन रहे हैं। ये क्या करेंगे? मतलब एक दौर तो ये है कि आप देखिए जो उस जमाने की जो लिबरल यूनिवर्सिटियां जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बनी, कुछ हद तक इंदिरा गांधी में थोड़े डिक्टेटोरियल स्टेट थे, लेकिन वो चलती रही। बाद की सरकारों में भी जनता पार्टी की सरकार आई, इन सब में उसे चलने दिया गया। लेकिन अब जो ये नई पौध आएगी, ये किस तरह के साइंटिस्ट पैदा करेगी? बाबा रामदेव हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, या इस तरह का, अब ये मतलब सोच के दहशत हो रही है। साहित्य की दुनिया में जहाँ मैं, जो मेरी दुनिया है, मैं देखता हूँ कैसे रातों रात चीजें बदल रही हैं। मतलब हम तो साहित्य का मतलब ये समझते थे कि वो एक तरह से सहिष्णुता फैलाता हो, जो प्रोटेस्ट को महत्व देता हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इज्जत करता हो। वहां पर अगर ऐसी स्थिति अकादमियों में हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे हमारा समाज का चेहरा हमारे कैसे होगा। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। ये सही आपने पकड़ा कि पिछले 5-7 सालों से ये थोड़ी स्थितियां ज्यादा बिगड़ती जा रही। संयुक्त राष्ट्र, कमिंग बैक टू द होल क्वेश्चन ऑफ द पुलिस एंड लाठी, यूनाइटेड नेशंस का भी एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूज ऑफ फोर्स है, जो सेक्शन 13 जो साफ साफ कहता है कि बहुत मॉडरेटली यूज करना चाहिए। अगर हम आंकड़े देखते हैं 2019 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, तो 53 लोग जो लोग रिमांड में नहीं में थे, पीपल नॉट इन रिमांड की 2019 में डेथ हुई, उसमें 25 पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए, 16 का चार्जशीट हुआ मगर किसी का कन्विक्शन हुआ नहीं। मतलब ये आंकड़े हम आपको 2019 के बाद आंकड़े हैं नहीं हमारे पास, तो ये भी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं राजनीतिक स्तर पे, ये बात उठती नहीं सामाजिक स्तर पे, ये हमारी एक तरह का कि एक्सेप्टेंस है इस तरह का हायरार्की और मानसिकता का। आखिरी सवाल आपसे मुझे ये है, क्योंकि आपसे जान हमारी पहचान, हमारी आपसे सांप्रदायिक और कॉन्वर्सेशन भी किया था, और आपने पाया भी था उत्तर प्रदेश में कई जगह पे जब आप ऑफिसर बने, तो ये जो एक कास्ट बायस का जिक्र आपने किया, तो कास्ट बायस तो है ही, ये कम्युनल बायस जो है, जो हम आज देख रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में और हमारे पुलिस का व्यवहार में और पॉलिटिकल व्यवहार में, ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि ये तो एक इसकी तो जड़ तो पहले से आपने उसको ट्रैक भी किया है। शायद मेरा आपका इंटरव्यू पहली बार 1995 में हुआ था, जब आप हैदराबाद में थे, जब आपने कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर कोई दंगा रोक सकती है, अगर चाहे तो, मगर नहीं चाहे तो नहीं रोकती। और अभी तो हमने दिल्ली का देख लिया, लास्ट ईयर का दिल्ली का ही देख लिया, मुजफ्फरनगर का देख लिया, गुजरात 2002 देख लिया, बम्बई 93 देख लिया, 92-93, दिल्ली का 1984 एंटी सिख प्रोग्राम हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कई कई बारे ये बातें नहीं देखी। तो ये जो कम्युनल बायस की जो बातें हैं, जो एक तरह के मार्जिनलाइज सेक्शन के खिलाफ जिस तरह की घृणा पैदा करना, और उसमें भी एक आइडियोलॉजिकल जड़ आरएसएस का है, क्योंकि अगर 3 एनिमी उन्होंने अपने किताबों में खुद अपने पढ़ान लिखान में लोगों को वो शाखा में सिखाते हैं, द 3 इंटरनल एनिमीज ऑफ द इमेजिन्ड हिंदू नेशन आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट में आप
किसी को भी पकड़ सकते हैं, जो डिसेंटर है उसको आप पकड़ सकते हो। तो ये कम्युनल बायस के बारे में आप कुछ कह के फिर हम हमारी बातचीत समाप्त करते हैं। देखिए कम्युनल बायस बहुत डीप है और चूंकि ये तो एक अलग इंडिपेंडेंट कभी डिस्कोर्स का विषय हो सकता है। बिल्कुल, ये पिछले 1300 सालों में जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो रिश्ते बने, 1300 साल पहले जब ये सिंध में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के रूप में एक पॉलिटिकल इस्लाम आया, तो वो तब से चल रहे हैं इन दोनों कम्युनिटी। उसके पहले केरल में आया थ्रू ट्रेड, उसके पहले लेकिन वो तो मोपला थे, वो मतलब दावत, मतलब वो एक तजारत के लिए आए थे। लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम आया ये सिंध में, तो तब से इन्होंने मिलजुल के बड़े बड़े काम किए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, स्कल्पचर हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, लिटरेचर हो, क्यूजीन तक में बहुत दोनों कम्युनिटीज ने, दोनों धर्मों ने मिलकर बहुत बड़े काम किए। लेकिन दोनों धर्मों के मानने वाले आपस में लड़ते भी रहे, मतलब इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और फिर उसके अलग रीजन है, बाद में कभी बात करेंगे। वो पुलिस में सबसे ज्यादा, मतलब स्टेट में, देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, इस आधार पर आजाद हुआ कि हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन है, साथ नहीं रह सकते। हमारी लीडरशिप ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इन सब ने कहा कि नहीं, हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं और हम इसे बना के दिखाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर को ये टास्क मिला, उन्होंने एक संविधान बनाया जो धर्म निरपेक्षता की बात करता, सेकुलर डेमोक्रेसी हमने बनाई, बावजूद इसके कि देखिए हमारे पड़ोस में एक इस्लामिक स्टेट बन गया था और वहां से लाखों की तादाद में सिख और हिंदू लूटे, पिटे, मारे, कटे, जीते, हारे, ये आ रहे थे भारत में, उस माहौल में भी हमने बनाया। लेकिन ये हमारा जो पूरा का पूरा ढांचा था वो बड़ा कमजोर रहा, मतलब ऊपर दिल्ली में तो हम सेकुलर निज़ाम की बात कर रहे थे, लेकिन नीचे लखनऊ, पटना या कलकत्ता, बम्बई तक वो संदेश जा नहीं रहा था। और वो भी फिर ये लंबा डिस्कशन है, लेकिन थोड़ा सा हल्के बता दूं, जैसे हमारी शिक्षा नीति जो थी वो उस तरह के लोग नहीं पैदा कर रही थी जो एक सेकुलर दिमाग वाले हों, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हों। और उसका नतीजा भी हुआ, 61 में जबलपुर में पहला बड़ा कम्युनल राइट हुआ आज़ादी के बाद का, और 61 के बाद तो फिर लगातार चल ही रहा है, हर 2-3 साल बाद एक कोई हो जाता है, हमें लगता है अरे ये बहुत बड़ा हो गया, अब ये अंत है, लेकिन 2 साल बाद उससे बड़ा हो जाता है। इनमें दिक्कत ये हुई कि इनमें सफरर माइनॉरिटीज रही। मैंने चूंकि कम्युनल वायलेंस पे काम किया तो मैंने पाया कि वो 90% से ज्यादा दंगे ऐसे थे जिसमें मारे जाने वालों की संख्या और जिनकी संपत्ति लूटी गई, जिनके औरतों की बेइज्जती हुई, इन सब में मुसलमान सफरर थे और स्टेट ने भी उनके साथ ज्यादतियां की। मैं जिन दंगों में ज्यादा मुसलमान मारे गए वहां गिरफ्तारियां भी ज्यादा उन्हीं की हुई, वहां पर तलाशियां भी उन्हीं के घरों की हुई, वहां बेइज्जत भी वही किए गए। तो ये कुल मिला करके ये एक खराब दृश्य हमें दिखाई देता है। और ये दुर्भाग्य से इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो हैं, मतलब इसमें सिवाय कम्युनिस्टों को छोड़ दीजिए, जो बंगाल में जिन्होंने बड़ा कुछ नहीं होने दिया, केरल में काफी हद तक जब उनका शासन रहा वो इसे रोके रहे, बाकी तो पूरे भारत में ये होता रहा और शर्मनाक ढंग से होता रहा। लालू जी के बिहार में भी नहीं हुआ शायद, बिहार में लालू जी जब आए, ये सही कह रहे हैं आप, जब आए थे तो भागलपुर का एक बड़ा वो हुआ था, लेकिन उसके बाद लालू 15 साल लालू की सरकार रही, लेकिन लालू ने भी कोई बुनियादी ऐसा वो नहीं किया था कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो जाए, वो केवल डर से वो रुका हुआ था। लेकिन एक ऐसा करिकुलम डेवलप होता, इस तरह की नई पौध तैयार होती जो सांप्रदायिक जो ये विषाणु है, जो ये बैक्टीरिया, इससे दूर होती, ऐसा लालू भी नहीं कर पाए थे। बहरहाल उनको क्रेडिट तो देनी चाहिए कि बिहार में उसके बाद जब तक वो रहे कुछ नहीं हुआ। अभी जो समस्या आ गई है वो ये है कि जो सरकार, जो पार्टी सरकार में है, दुर्भाग्य से उसको ये सूट कर रहा है। कांग्रेस के जमाने में होता जरूर था, लेकिन कांग्रेस को ये सूट नहीं करता था। कांग्रेस अपनी अक्षमता के वजह से, इंडिफरेंस की वजह से, नालायकी की वजह से भले वो न रोक पाती हो, लेकिन कांग्रेस को कभी इससे फायदा नहीं होता था कि अगर राइट होगा तो कांग्रेस जीत जाएगी। यहाँ पर दिक्कत दूसरी हो गई, इसीलिए जो काऊ स्लॉटर के नाम पर जो कुछ हुआ, जो छोटे मोटे, हाँ, तिरंगा यात्रा के नाम पे हो जा रहा है, कभी और किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कोई घटना हो जा रही है, तो ये पोलराइज कर रही है और इस पोलराइजेशन का फायदा हो रहा है पॉलिटिकली। तो जो रूलिंग पार्टी है उसे जाहिर है कि वो आखिर वो चुनाव लड़ने के लिए आई है, सरकार बनाने के लिए आई है, तो वो उसको एंजॉय कर रही है इस स्थिति। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये भाई अगर वो देशभक्त अपने को समझते हैं, बनते हैं, तो
तो उनको ये समझना चाहिए कि एक दो चुनाव उन्हें भले जिता देगी ये सारी चीजें, लेकिन इससे देश का नुकसान होगा और उनको भी इसका विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, यहाँ पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं कर रहे हैं। आपने सही कहा कि पिछले 5-6 सालों से तो और गड़बड़ी हुआ है मामला। आपके हिसाब से आयुष सिन्हा के साथ क्या होना चाहिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री का के साथ क्या होना चाहिए? कमिंग बैक टू, मतलब जो शनिवार रात को जो हुआ, शाम को हुआ, और हमारे किसानों पे इस तरह का बहुत ही भयानक हमला किया गया, खून से लत्ते पत्ते हो गए, एक हमारे किसान भाई की मौत हो गई और शांतिपूर्वक प्रदर्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, उतना ही कह के आप बता दीजिए कि आपके हिसाब से, आप बहुत वरिष्ठ एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, कि व्हाट शुड बी द कंडक्ट विद आयुष सिन्हा, क्या होना चाहिए और मुख्यमंत्री का क्या? देखिए, आयुष सिन्हा अगर IAS अफसर नहीं होते तो अब तक वो सस्पेंड तो कर ही दिए जाते कम से कम मिनिमम। अगर कहीं ये PCS अफसर होते या कोई तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता तो सस्पेंड तो हो ही जाता। इनको भी मिनिमम सस्पेंड किया जाना चाहिए। और मेरा तो अपना मानना, मैं पुलिस के मामले में हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इस तरह के लोग जो ऐसे सोच लेके आते हैं, इनको वापस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेज करके इनको डीएडिक्ट करना चाहिए। एक जहरीली चीज़ इनके दिमाग में भरी है, इसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी सही है कि ये बिना मुख्यमंत्री के इशारे के एक 4 साल की सर्विस वाला अफसर खुद इस तरह की बोस्टिंग नहीं करेगा, तो अब मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या होना चाहिए ये तो एक पॉलिटिकल सवाल है, और इस पर निर्भर करता है कि वो आंदोलन कितना मजबूत है। उसे तो मुख्यमंत्री को हटाए। जैसे एक जमाने में आप देखिए, ये जो गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छोटा था शुरू हुआ, लेकिन बढ़ते बढ़ते अंत में पूरे देश को उसने इंगल्फ कर लिया। तो हरियाणा भी एक ऐसे स्टेज पर है जबकि पूरे देश में इस तरह का एक बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए, और मुख्यमंत्री उसी के बाद जाएंगे, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति जी बातचीत करने के लिए। आगे भी हम कुछ कुछ बातें करते रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।